दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि सीलिंग फैन हाई स्पीड मेरे पास आया है, जो कि इसका लूप शॉर्ट कर गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो गया है शॉर्टिंग की वजह से एक कॉइल, तो मैं इसका लूप निकाल दिया हूँ। और निकालने के बाद से चेक करके आप लोगों को दोस्तों दिखाता हूँ कि ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका लूप हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड में इसको चेक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि बता रहा है, रनिंग वाला लूप बता रहा है। उसके बाद फिर से स्टार्टिंग कॉइल में चेक करूंगा, स्टार्टिंग कॉइल भी मेरा बता रहा है, और अर्थिंग चेक करने पर अर्थिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये मेरा कॉइल रिपेयर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लूप निकाल लेंगे, इसको लूप निकाल के उसके बाद से आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छे से इसको लूप निकाल लिया हूँ, चार लूप निकाल लिया, दो रनिंग का और दो स्टार्टिंग का। और इसके बाद से हल्का सा इसको बार्निश कर लेंगे हम, चारों तरफ से हल्का हल्का इसको बार्निश कर लेंगे घुमा कर इसको, जिससे कॉइल मेरा हिट है। बार्निश डाल देंगे तो इसकी लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं बार्निश में डाल दिया हूँ, बार्निश डाल के कंप्लीट हो गया। और इसके बाद से मैं अच्छी तरह से इसको फिटिंग करके और आप लोग को इसको चला के इसके बाद से मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा फैन कस के रेडी हो गया है। और इसके बाद से आप लोग को चला के इसका स्पीड आप लोग को दिखाते हैं। तो कंडेंसर आप लोग देख सकते हैं, कंडेंसर भी मैं जोड़ के कंप्लीट कर लिया हूँ। और इसके बाद से आप लोग को इसका चला के इसका स्पीड दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पहले जैसा इसका स्पीड है। और दोस्तों, कॉइल शॉर्ट करे तो ऐसे ही चेक करके लूप निकाल सकते हैं आप लोग घर पे ही। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।